Hello everyone, let's start with question number 14. So in this it is given that sine 45 plus theta minus cos 45 minus theta is equal to. So agar aap notice karo, to yahan pe jo aapke dono angles hain, that is 45 plus theta plus 45 minus theta will be a complement angle. Kyunki theta se theta cancel ho jayega, to 45 minus 45 kitna bacha? 90 degree. So that means this is my complementary angle. So अब हमें यहाँ पे complementary angle वाला ही rule follow करके simplify करना है. तो सबसे पहले sin 45 plus theta को मैं as it is उतारू. अब हमारे पास next term कौन सी है? Cos की है. तो cos को हम क्या करेंगे? 45 को change करेंगे in terms of 90. तो अब 45 को कैसे लिखें? 45 को हम define कर सकते हैं 45. अब मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में क्यों पुट किया? क्योंकि यार देखो यहाँ पे साइन किसका? माइनस थीटा का. तो हमें क्या करना है? हमें लेना है 90 माइनस एंगल ए. जो हमारा फॉर्मूला होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? 90 माइनस एंगल ए. तो अब यहाँ पे ए क्या है? 45 प्लस थीटा है. ठीक है, तो कॉस 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए. तो पहले तो हम फर्स्ट वाले का लिखते हैं साइन 45 प्लस थीटा. नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस ए क्या होता है? इट इज साइन ए. साइड में फॉर्मूला लिख देती हूँ. तो अब साइन ए, साइन लिखा, पीछे वाला एंगल पूरा 45 प्लस थीटा. अब हमारे आपको दिख रहा है कि दोनों एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव में और एक किस में? नेगेटिव में. सो आंसर इज जीरो. दैट मींस योर ऑप्शन इज बी पार्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.